मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों के बाद आज मैं सभी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद दिया है, तो मध्य प्रदेश के सभी मतदाता भाई और बहनों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। हम मध्य प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के विकास को सुचारू रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, जो हर गरीब का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो विकास और गरीब कल्याण का काम किया है, उस विकास और गरीब कल्याण की गति को सुचारू बनाए रखने के लिए विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी का है, उस संकल्प को जनता ने आशीर्वाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल कहा कि जनता का संकल्प ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका निभाने का काम देश के अंदर कर रही है, प्रदेश के अंदर हम कर रहे हैं, तो इसलिए जनता का बहुत हृदय से अभिनंदन। हम जनता की आकांक्षाएं अपेक्षाओं पर भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है वो लगातार खरी उतरी हैं, और हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, तो जनता की उन आकांक्षाओं अपेक्षाओं पर भी खरे उतरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती आई हैं और करती रहेंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने अथक मेहनत प्रत्येक बूथ पर की, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का मध्य प्रदेश के अंदर उल्लेख किया था, और बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल से किया था, आज उस अभियान को भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत की है, पन्ना प्रमुख से लेकर के पन्ना समिति, बूथ समिति लेकर के मंडल के कार्यकर्ता और जिले से लेकर के प्रांत की टीम, और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर टीम स्पिरिट के साथ लड़ा, इसके लिए मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही जो यूनिक नंबर 1,53,00,000 से ज़्यादा लोग एक से लेकर के 10-10, 12-12 योजनाओं से लाभान्वित थे, उन्हें जमीन पर उतार कर उन तक पहुँचने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने ताकत दी और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। इसलिए पुनः सबका हृदय से आभार, और विशेष तौर पर मैं मीडिया के सभी मित्रों का, प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के अलग अलग प्रकार के हमारे चैनल्स, डिजिटल हमारा जो नेटवर्क है, और कई हमारे ऐसे कार्यकर्ता, हमारे ऐसे जो मीडिया के मित्र हैं जिन्होंने अहम भूमिका इस चुनाव में वास्तविक चित्र को जनता तक पहुंचाने में प्रदेश में और देश के अंदर आपने भूमिका निभाई, इसके लिए मैं मीडिया के मित्रों का भी बहुत हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की हमारी मीडिया की टीम भी जो लगातार काम कर रही थी उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि एक बेहतर काम, बेहतर प्रबंधन सबने मिलकर के किया, और ऐसे कार्यकर्ता जो पर्दे के पीछे थे, जो कहीं सामने दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनने अथक मेहनत अलग अलग प्रकार से अलग अलग कामों में अलग अलग विभागों में किया है, ये भी वास्तव में एक आदर्श कार्यकर्ता का उदाहरण ऐसे कार्यकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है, उनको भी बधाई देता हूं। और जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी, मध्य प्रदेश के सभी जो विधायक चुने गए हैं, तो भाजपा के जो प्रत्याशी विधायक बने उनको मैं बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश के अन्य सभी विधायकों को बधाई देता हूं, और जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिन्हें
किन्हीं कारणों से बहुत कम कम अंतर से भी सफलता नहीं मिली है। मैं उन्हें भी आज कहता हूं कि चिंता मत करिए, संगठन भारतीय जनता पार्टी का आपके साथ खड़ा है। असफलता ये साबित करती है कि सफलता के प्रयास हमें और करने की जरूरत है, तो वो सभी कार्यकर्ता भी अपने संगठन के काम में ताकत से जुटेंगे। मैं उनको भी उनके साथ खड़े होकर के हम ताकत देने का काम कर रहे हैं। इसलिए आगामी आने वाले समय में अब हमारा संकल्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता ने प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद दिया है, अमित शाह जी ने हमें 51% वोट शेयर का संकल्प, मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ के अभियान में माननीय अमित शाह जी ने जो काम दिया था, हमें जो टास्क दिए थे कि इन कामों को बूथों पर करना और बूथ पर 51% वोट शेयर लाना, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आज हमें गर्व है कि अमित शाह जी ने हमें जो संकल्प दिलाया था और जो टास्क दिया था, आज 51% के वोट शेयर में लगभग 49% वोट भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिला है। ये एक कार्यकर्ता की उपलब्धि है, चाहे वोट शेयर बढ़ाने की बात हो, चाहे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात हो, तो कार्यकर्ता ने अथक मेहनत की। अब हमारा संकल्प है आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रत्येक बूथ पर, हर बूथ पर मोदी, इस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कार्यकर्ताओं ने संभाल ली। वीके न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।